What is up guys, welcome back once again. So दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कैजुअलिटीज ऑफ वॉर। किसी ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, पर इस कहानी को देखने के बाद आपको इस कहावत से नफरत हो जाएगी और जंग के कुछ ऐसे परिणाम के बारे में पता चलेगा जो आपकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि वियतनाम वॉर के दौरान हुई थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर दो छोटे देश साउथ और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जंग छिड़ी हुई है, पर यहाँ इन दोनों के ऊपर दो बड़े देशों का हाथ है जो कि है अमेरिका और चाइना, जो हर बार की तरह सिर्फ अपने फायदे देख रहे हैं। तो समय चल रहा है 2001 का, जहाँ पर एक लोकल मेट्रो है और लोग अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए तैयार हैं। उन्हीं में से हम एक मैक्स नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी अचानक से नींद खुलती है और इसी बीच उसे एक एशियन लड़की दिखती है जिसे वो बहुत ही गौर से देखने लगता है। वो लड़की उसे शायद किसी की याद दिला रही थी। यही सोचते हुए पास में चला जाता है और ये वही समय है जहाँ पर साउथ और नॉर्थ वियतनाम आपस में लड़ाई कर रहे हैं और मैक्स भी इस जंग का हिस्सा है। वो अपने ग्रुप के साथ साउथ वियतनाम में नाइट पेट्रोलिंग कर रहा है। यहाँ वो लोग वियतकॉम नाम के ट्राइबल ग्रुप को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये ग्रुप दुश्मनों का साथ दे रहा है और लगातार उन पर हमले करता जा रहा है। तभी मैक्स का दोस्त हेचर उसे कहता है कि दोस्त तुम्हारे नीचे से कुछ आवाजें आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, ये शायद वियतकॉम वालों की बनाई हुई सुरंग होगी। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दुश्मनों का ग्रुप आ जाता और इन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। मैक्स खुद को बचाने के चक्कर में उसी सुरंग में गिर जाता है और दुश्मनों के ग्रुप के लोग लगातार इन पर फायरिंग कर रहे थे, पर सही समय पर ये सभी दुश्मनों को मार देते हैं और कैप्टन आके मैक्स को बचा लेते हैं। अब थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और सारे लोग बिना घायल हुए जंगल से बाहर आ जाते हैं। मैक्स का पूरा ग्रुप एक गांव में पहुंचता है जहां उसका दोस्त ब्राउनी उसे पूछता है कि तुम यहां कब से रह रहे हो, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम काफ़ी समय से इस ग्रुप का हिस्सा हो। पर वो कहता है कि नहीं, मैं पिछले 10 हफ्तों से ही इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं। और इसी बीच ग्रुप के सार्जेंट हैचर मैक्स और ब्राउनी को गाँव में फैल जाने को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वो लोग सुरक्षित नहीं है। अब दोनों साथ में गांव में घूमने लगते हैं जहां उन्हें कुछ बच्चे भी मिलते हैं जिनके साथ वो खेलने लगते हैं। वो बच्चे उन्हें खाने के लिए एक आम देते हैं और तभी सार्जेंट उस आम को लेके फेंक देते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ कोई भी चीज़ ऐसे मत खाना, हो सकता है कि उसमें वो चीज़ फट जाए और तुम्हारी वहीं मौत हो जाए। यहाँ कौन वियतकॉम है, कौन गांव वाला है, हमें कुछ भी पता नहीं है। इन लोगों के दिए हुए खाने से तुम कुछ ही पल में मारे जा सकते हो। पर मैक्स उनकी बातों पर गौर नहीं करता क्योंकि जिन्होंने उसे आम दिए थे वो कुछ ही साल के बच्चे थे जो ऐसा किसी को मारने का सोच भी नहीं सकते थे। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ गांव घूमने लगता और सभी सोल्जर आराम करने लगते हैं, पर सार्जेंट की कही हुई बात सच हो जाती है और एक गोली आकर ब्राउनी के सीने में लगती है और वो वहीं गिर जाता है। इसके बाद लगातार गोलियाँ चलना शुरू हो जाती है और सार्जेंट और उनकी टीम गोलियों का जवाब देते हैं। और इधर गोली लगने से ब्राउनी कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। और तब सार्जेंट उसके गले से निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो इस काम में कामयाब नहीं होते और धीरे धीरे ब्राउनी की हालत ख़राब होती जा रही थी। लेकिन कुछ ही पल में वहाँ आर्मी का हेलीकॉप्टर आ जाता है जो ब्राउनी को फौरन कैंप लेके आ जाता है उसका इलाज करने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता और कैंप में सारे सैनिक एक दूसरे से ब्राउनी के बारे में ही पूछ रहे थे, वो कैसा है। तभी सार्जेंट बताते हैं कि उसकी मौत हो गई है और उसका खून बहुत ही ज़्यादा बह गया था। ये सुन के पूरे कैंप में सन्नाटा छा जाता और सभी लोग उदास हो जाते हैं। साथ में उन्हें गुस्सा भी आता है कि उस गांव वालों की वजह से उनका दोस्त आज उनके बीच में नहीं है। तभी एक सोल्जर क्लेयर से कहता है कि मुझे तो इस जगह से नफरत हो गई है, खासकर उस गांव से। हम कब तक ऐसे ही मरते रहेंगे और मेरा बस चले तो मैं उस गांव के लोगों को मार डालूं। वेल, अब कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और सार्जेंट कुछ सैनिकों के साथ गाँव की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, पर गेट पर उन्हें एक सोल्जर रोक लेता ये कहते हुए कि आप लोग वहाँ नहीं जा सकते जब तक लेफ्टिनेंट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता और आपके पासेस भी कैंसिल कर दिए गए। ये सुन के सार्जेंट बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता और सारे निराश होकर वापस कैंप में आ जाते हैं। इसके बाद सार्जेंट टोनी अपने ग्रुप के मेम्बर को अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं जो कि एक काफ़ी खतरनाक हिल है, और वो बताते हैं कि वहाँ काफ़ी वियतकॉम मिल सकते हैं लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि शूटिंग नहीं करनी है जब तक वो लोग हम पर गोलियां ना चलाएं। इसके बाद वो कहता है कि हम जब यहां से जाएंगे तो गांव से एक लड़की को उठा लेंगे ताकि रास्ते में हमें बोरियत ना हो। अब ये बात सुनके मैक्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है कि आखिर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। वो समय तो कुछ नहीं कहता, पर रात होने पर वो अपने एक दोस्त से इस बारे में
में पूछता है तो वो कहता है कि ज़रूर सार्जेंट मजाक कर रहे होंगे, वो ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं कर सकते। तो मैक्स कहता है कि ये कैसा अजीब मजाक है, कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है। पर ये उसे नहीं पता था कि यही मजाक कुछ ही देर में सच होने वाला था। अब कुछ देर बाद क्लार्क टोनी के साथ उस गांव के एक घर में पहुंच जाता है जहां एक 20 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ सो रही थी। क्लार्क टोनी से कहता है कि सर मुझे ये लड़की चाहिए, जिसके बाद वो दोनों उसे उठा लेते हैं। अब हलचल सुन के पूरा गांव उठ जाता है और उस लड़की की माँ क्लार्क से अपनी बेटी की जान की भीख मांग रही थी। वो कहती है कि उसे छोड़ दो, चाहे तो मुझे ले चलो। पर टोनी एक नहीं सुनता और उल्टा उसे लात मार के दूर फेंक देता है। अब बाहर खड़ा मैक्स ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि गॉड ये सब क्या हो रहा है, ये कैसे लोग हैं जो खुद को सैनिक कहते हैं लेकिन एक मासूम लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं उसकी इज्जत लूट के लिए। क्लार्क उस लड़की को लेके गांव से बाहर जाने लगता है और वो अपनी इस करतूत पे हंस रहा था जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा काम करा हो। अब पूरे गांव वाले उसकी ये हरकत को देख रहे थे पर किसी ने चूं तक नहीं की, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो ये लोग उसके परिवार को मार देते, क्योंकि यहां इनकी जान की कोई भी कीमत नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद मैक्स उस लड़की के फैमिली के पास जाता है और एक धीमी आवाज में उससे माफी मांगता है, कहता है आई एम सॉरी। अब सुबह हो जाती है और सार्जेंट टोनी का ग्रुप जंगल के रास्ते उस हिल तक जा रहे थे जहां उन्हें दुश्मनों के होने की खबर मिली है। तभी रास्ते में उसके पास मैक्स आके कहता है, सार्जेंट ये हम क्या कर रहे हैं, इसे तो किडनैपिंग कहते हैं, मैंने सोचा था कि आप मजाक कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ये सुनकर टोनी उस पर गुस्सा हो जाता और उसे आगे हैचर को कवर करने के लिए भेज देता है, क्योंकि सार्जेंट को इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है कि इस लड़की के साथ अब क्या होने वाला है। अब मैक्स हैचर के पास जाता और उससे भी यही सवाल पूछता है तो वो कहता है कि हाँ ये तो सार्जेंट ने लाजवाब काम किया है, हमें ये पहले ही करना चाहिए था, आर्मी वाले यही तो करते हैं। मैक्स उसका जवाब देते हुए कहता है कि तुम खुद को सैनिक कैसे कह सकते हो, ऐसा काम कैसे कर सकते हो, हम लोग इन लोगों की मदद करने आए हैं ना कि इनकी इज्जत लूटने के लिए, और आर्मी लोगों की जान बचाती है ना कि उनकी जान लेती है। अब हैचर को ये बात बुरी लगती है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, पर मैक्स को अभी भी इस सवाल का जवाब चाहिए था कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। कुछ देर बाद पूरा ग्रुप एक जगह रुक कर आराम करता है, तब वो जाके सार्जेंट टोनी से कहता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो सार्जेंट बताता है कि हमने इसे वियतकॉम सस्पेक्ट के तौर पर उठाया है, हमारे बीच एक वियतकॉम लड़की है और हमें उसके साथ फन करना चाहिए, मज़े करना चाहिए। पर मैक्स कहता है कि ये झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़की सिर्फ एक मासूम किसान की बेटी है। लेकिन सार्जेंट टोनी एक बहुत ही बुरा आदमी था, वो मैक्स को चिढ़ाने के लिए कहता है कि हम में से कोई वियतकॉम नहीं है लेकिन ये लड़की है और तुम ये बात नहीं जानते, और उस लड़की के बाल पकड़ कर खींचने लगता है। अब मैक्स ये जुल्म देखा नहीं जाता लेकिन वो मजबूर था, सार्जेंट टोनी उसका सीनियर था, अगर उसने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसे जेल भी हो सकती है। अब सारे लोग आगे बढ़ते हैं पर यहाँ इस लड़की पर एक और जुल्म किया जाता है, सबने अपना सामान उस मासूम सी 20 साल की लड़की के कंधों पर डाल दिया था। वो उसे पूरे जंगल पैदल चला रहे थे और उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे जिसमें से अब खून भी आने लग गए थे। और कुछ देर बाद सारे लोग एक पुराने कॉटेज पे पहुंचते हैं जहां वो लोग आज आराम करने के लिए रुकते हैं। हैचर और क्लार्क आगे का रास्ता देखने चले जाते हैं और तभी मैक्स उस लड़की को देखता है जो बिल्कुल सहमी हुई थी वो लोग उसे। अब मैक्स उस लड़की के पास जाता और उसे पीने के लिए पानी देता है और तभी वो देखता है कि उसकी पीठ पे चोट के निशान है। वो एक टावल भिगाकर कहता है कि आओ मैं तुम्हारी चोट साफ कर दूं, पर वो लड़की रोने लगती है और उसे लग रहा था कि मैक्स भी औरों की तरह बुरा है। लेकिन मैक्स उसे बातें करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ कंफर्ट कराता है। वो कहता है कि मुझे अपना दोस्त समझो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और ये बोलते हुए वो उसके चोट को साफ कर देता और फिर एक बार चुपचाप बैठ जाता है। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जो सार्जेंट उस लड़की के साथ कर रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो मजबूर है। अब कुछ देर बाद सार्जेंट टोनी आके उसके साइड में बैठ जाता है और फिर मैक्स को लेके उस लड़की के पास जाता है। इसके बाद उस लड़की के हाथ बांधने लगता और एक बहुत ही शॉकिंग बोलता है। वो मैक्स से कहता है कि इस लड़की के साथ तुम गलत काम करोगे। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह से हिल जाता और वहां से जाने लगता है। और तभी सार्जेंट उसे रोकता और कहता है कि वो एक वियतकॉम लड़की है और हम जो चाहें वो उसके साथ कर सकते हैं। अब क्लार्क मैक्स के गले पर चाकू रख देता है और वहीं खड़े रहने को कहता है। अब मैक्स के सामने उसके सारे साथी एक एक करके उस लड़की के साथ बुरा काम करते हैं और ये सारी चीज़ें देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर गुस्सा भरता जा रहा था पर इस समय वो उस लड़की की चीखें सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और फिर सारे लोग साथ में बैठे रहते हैं जहाँ क्लार्क अपनी इस करतूत को सबको हंसते हुए बता रहा था। और तभी टोनी उसके पास आके कहता है कि तुम्हें आर्मी बहुत पसंद है ना, तो वो उसके जवाब देते हुए कहता है कि हाँ
ये जिसमें मैं हूँ वो आर्मी नहीं है बल्कि वो जानवरों का एक ग्रुप है। आर्मी वो होती है जो लोगों की मदद करती है। वेल, इसी तरह से सुबह हो जाती है और ये लोग हिल पर पहुंच चुके थे जहां उन्हें नदी के पार कुछ वियतकॉम लोग दिखते हैं, जिसके बाद सारे लोग दोबारा कॉटेज पर आ जाते हैं। तब क्लार्क और उसके साथी हिल पर वापस जाते हैं ये देखने के लिए क्या उनकी मदद करने कोई आया है या नहीं, और वो मैक्स को वहीं उस लड़की पर नज़र रखने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद मैक्स देखता है कि वो लड़की एक कोने पर सहमी हुई डरी हुई बैठी हुई है। उसके पूरे शरीर पर चोटों के निशान थे, वो तेज़ बुखार से तप रही थी। उसके पास जाते ही वो उससे दूर जाने लगती है और उसे डरने लगती है। मैक्स उससे कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ये लो कुछ खा लो। और उस लड़की ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। वो पागलों की तरह खाना खाने लगती है और रोने लगती है। वो मैक्स से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन मैक्स उसकी भाषा समझ नहीं पाता। लेकिन उसे एक बात तो समझ आ गई थी कि अब बस बहुत हुआ, अब उस लड़की को वो बचा कर रहेगा। वो फैसला करता है कि वो उसे यहाँ से आज़ाद करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ हिल पर सार्जेंट टोनी क्लार्क से कहता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो, तुमने मैक्स और उस लड़की को वहाँ अकेले क्यों छोड़ा, उसे लेकर तुरंत यहाँ पर हिल पर आओ। और इधर मैक्स उस लड़की से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेके चलता हूँ वरना ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। अब वो लड़की को बाहर लाकर छोड़ देता और वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की उसे छोड़कर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो मैक्स के साथ जाना चाहती थी इसलिए मैक्स भी उसे उठाकर यहाँ से भागने लगता है। पर बीच रास्ते में उसे क्लार्क मिल जाता है और पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और एक बार फिर से मैक्स उस लड़की को बचा नहीं पाता। अब सभी लोग उस हिल पर दोबारा आ जाते हैं और टोनी उन वियतकॉम को देखते हुए कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें बैकअप बुलाना होगा। अब हम देखते हैं कि इसी बीच उस लड़की को खांसी आने लगती है जिससे टोनी चुप कराने को कहता है, क्योंकि अगर इसकी आवाज़ वियतकॉम ने सुन ली तो वो इस पर हमला कर देंगे। अब ये देखकर क्लार्क उस लड़की का मुंह दबा देता है ताकि उसे खांसी ना आए, और ये सब देखकर सार्जेंट टोनी कहता है कि हमें इसे मारना होगा। वो हैचर को एक चाकू देते हुए कहता है कि ये लो इसे मार दो, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। अब इसके बाद वो दियास को वो चाकू देता है पर वो भी मना कर देता है। तब क्लार्क उस लड़की को पकड़ लेता और एक साइड में ले जाके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी मैक्स गोली चला देता है और कहता है कि अब तुम्हें इसकी खांसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब गोली की आवाज़ सबने सुन ली है। और तभी दोस्तों वहाँ से वियतकॉम भी गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं और दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियाँ चल रही थी। इसी बीच वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक से दूसरी तरफ भागने लगती है, पर टोनी उसे भागते हुए देख लेता है और वो सभी को ऑर्डर देता है कि ये लड़की भाग ना पाए और बोलता है कि सभी लोग इस पर गोलियां चलाओ। ये देखकर मैक्स भागते हुए उसे बचाने आता है लेकिन टोनी उसे मार कर वहीं गिरा देता है और सभी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं जिससे कि वो लड़की पूरी तरह से छलनी होकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और इसी बीच वहां US आर्मी का प्लेन भी आ जाता और सबको बचा कर यहां से ले जाता है, पर मैक्स की नज़र उस लड़की की लाश से हटी नहीं रही थी। उसे अपना किया हुआ वादा याद आ रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाया। ये लोग उस लड़की को उठाते भी नहीं और वहीं उसकी लाश नीचे छोड़कर चले जाते हैं। जाते जाते मैक्स के दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब वो उसके कातिलों को जेल भेजकर सांस लेगा, चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे इसके लिए उसे पूरे सिस्टम से क्यों ना लड़ना पड़े। अब सीन कट होता है और हम मैक्स को कैंप में देखते हैं जहां वो अपने एक दोस्त से उस लड़की के बारे में बताता है। उन लोगों ने उस लड़की को मार डाला, पर तभी वहां क्लार्क आ जाता और उससे कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर वो कहता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं जाके लेफ्टिनेंट रैली को इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। वो कुछ देर बाद रैली के पास पहुंचकर उन्हें पूरी कहानी बताता है, पर उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उल्टा ये कहते हैं कि तुम्हें ये सब भूल जाना चाहिए, मैं जितनी जल्दी हो सके इस बात को दबा देता हूं। अब रैली की ये हरकत देखकर मैक्स गुस्से में आ जाता है, पर यहां एक बार फिर से यस सर के नीचे दब जाता है। मैंने आपसे कहा था कि मैक्स को पूरे सिस्टम से लड़ना होगा। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक गांव में एक आग लग जाती है जहां पे मैक्स कुछ लोगों को रेस्क्यू करने जाता है, जहां वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है, पर वो भी चुप रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोगों से नहीं लड़ सकते। और इसी बीच वहाँ फिर से फायरिंग होने लगती है जिसमें एक सोल्जर शहीद हो जाता है, और तभी मैक्स उस सोल्जर को देखते हुए अपने दोस्त से कहता है कि ये आर्मी है, यहाँ पे हम जैसे लोग लोगों की मदद करते हुए शहीद होते हैं, ना कि किसी की जान लेने के लिए बने हैं, और जो उस लड़की के साथ हुआ मैं उसे इंसाफ दिला के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, हमें गाँव वालों की मदद करनी चाहिए
ताकि उन्हें हम पर भरोसा हो। कब तक ऐसे ही हमारे जवान मरते रहेंगे? अब यहाँ से सीधा वो कैप्टन के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर वो कहते हैं कि मुझे लेफ्टिनेंट रैली ने सब कुछ बता दिया है और अच्छा होगा कि तुम भी जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैक्स कहता है कि मैं उस लड़की की चीखें कैसे भूल सकता हूँ सर। तो कैप्टन गुस्से में कहते हैं कि मैंने भी चीखें सुनी हैं अपने अमेरिकन सोल्जर की जो हर रोज़ तड़प कर मर रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, मैं उन्हें जेल भेज दूँ जो हमारे देश के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। ये सुनकर मैक्स बोलता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम लोगों की मदद नहीं बल्कि उन्हें मारने यहाँ पर आए हैं, और ये बात बाहर आकर रहेगी। ये बोल के वो अपने कैंप में चला जाता है, पर उसके कैंप के अंदर टोनी और उसके साथियों ने उसे मारने का प्लान बनाया हुआ था। वो उसे ग्रेनेड से उड़ाने वाले थे, लेकिन मौका देखकर वो बाहर कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अब वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता और वो सीधा टोनी के पास जाता है जहाँ वो पार्टी कर रहे थे। वहाँ जाके वो क्लार्क को खींच कर एक मारता है और कहता है कि तुम्हें मुझे मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। तुम लोग आजाद घूम सकते हो एक बेकसूर लड़की को मारकर, और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था जिससे कि उस लड़की के कातिलों का फायदा होता है और मैक्स का ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जाने से पहले वो एक बार बार में बैठा होता है कि तभी वहाँ एक कैप्टन आके उसे बातें करने लगते हैं। अब वो मैक्स को उदास देख के वो उसके पीछे की वजह बताने को कहते हैं, और उन्हें लग रहा था कि मैक्स को अपनी फैमिली की याद आ रही थी, इसलिए कैप्टन उसे समझाने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम उदास क्यों। अब मैक्स उन्हें कहानी बताना चालू कर देता और कहता है कि हम लोग पेट्रोलिंग पर थे और तभी मेरे साथियों ने एक लड़की को उठा लिया और उसके साथ गलत काम किया, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाया, मैं फेल हो गया। और ये बताते हुए वो रोने लगता है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक टीम उस लड़की के लाश के पास पहुंच जाती है और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, जिसके बाद टोनी और उसके साथियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वो सारे अपने गुनाह तो कबूल कर लेते हैं, पर उन्हें ये सब करने का कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। अब लास्ट में सार्जेंट टोनी को भी बुलाया जाता है और सीनियर उस पर खूब चिल्लाते हैं कि तुम एक लड़की को कैसे मार सकते हो, उसे खांसी आ रही थी इसलिए तुमने उसे जान से कैसे मार दिया, ये कहाँ का लॉजिक है। सभी सीनियर उसे खरी खोटी सुनाते हैं और फिर सभी को दोषी पाया जाता है और कोर्ट उन्हें सजा सुनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर दियास को 8 साल की सजा होती है और हैचर को 15 साल की, और क्लार्क को उम्र कैद की सजा होती है और सार्जेंट टोनी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सजा उस लड़की को वापस जिंदा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये एक सबक जरूर हो सकता है उन लोगों के लिए जो सिस्टम के आगे हार कर बैठ जाते हैं। इसी बीच कहानी दोबारा से वहीं आती है जहाँ से शुरू हुई थी। मैक्स की आंख खुल जाती है और वो अभी भी उस लड़की को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है और वो लड़की जाने लगती है। मैक्स उसके पीछे जाता है और उसे आवाज़ लगाता है, दरअसल वो अपना स्कार्फ भूल आई थी। वो उसे स्कार्फ देता है और वो लड़की उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें किसी की याद दिलाती हूँ। मैक्स कहता है कि हाँ। फिर वो बोलती है कि शायद तुमने एक बुरा सपना देखा, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया है। और इसी के साथ मैक्स एक गहरी सांस लेता है और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये जंग की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जंग हमेशा से तबाही लाती है, चाहे वो किसी के लिए भी लड़ी जाए। आपकी इस पे क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।